Hello, good morning. Welcome to Educasius. Myself SK Bura, Labor Enforcement Officer, All India Rank 2. आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ईओ एंड एओ एग्जाम का, और साथ में यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए भी। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए भी। तो आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, इट्स कॉन्सेप्ट एंड वेरियस अप्रोचेज। स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहले आता है किसी भी टॉपिक को देखने से पहले कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, या फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक। तो देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी इंडस्ट्रियल रिलेशन की। इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज ऑफ एन इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे इट इज अ बाई पार्टाइट थिंग, यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक तो एम्प्लॉयर जिसको हम मैनेजमेंट बोल देते हैं, और दूसरे एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स। इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच का कैसा एक वातावरण बनाए रखे हैं ताकि डिस्प्यूट वगैरह ना हो, ठीक है, उस चीज को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन। इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज एक संबंध है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। ये बिल्कुल लेमैन डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। बहुत से थिंकर हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डेफिनेशंस दी हैं, बहुत से सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हुए हैं। आइए देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन, किस किस थिंकर ने क्या डेफिनेशन दी थी। सबसे पहले अग्रणी नाम इसमें आता है जेटी डनलप का। जेटी डनलप, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप अमंग द मैनेजर्स वर्कर्स एंड द एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। जेटी डनलप ने बताया था कि ये एक ट्राइपार्टाइट थिंग है, तीन लोगों के बीच की थिंग है। सबसे पहले एम्प्लॉई, फिर एम्प्लॉयर, और तीसरा गवर्नमेंट की एजेंसीज। गवर्नमेंट की एजेंसीज में क्या क्या आ जाते हैं, लेबर कमिश्नर ऑफिस आ जाता है, पीएफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ठीक है, ईएसआईसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो इंस्पेक्टर डेजिग्नेटेड है वो आ जाते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इंस्पेक्टोरेट है, कमिश्नरेट है, तो जो कि एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को हैंडल करती हैं, वो सब होती हैं एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जेटी डनलप ने कहा था कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स संबंध है, जो कि मैनेजर्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर्स, मैनेजर्स के बीच, वर्कर्स के बीच, वर्कर्स मतलब एम्प्लॉयज के बीच, और एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट के बीच। एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट में आएंगे लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन, पीएफ ऑर्गेनाइजेशन, डीजी फासली, इस तरह की जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उस फैक्ट्री पे, उस एस्टेब्लिशमेंट पे कंट्रोल रखती है, ज्यूरिसडिक्शन रखती है, वो सब पार्ट होंगी एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट का। इसी तरह डेल योडेर ने जो डेफिनेशन दी थी वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ प्रोसेस। It is a process of management dealing with one or more unions with a view to negotiate and subsequently administer collective bargaining agreement or labor contract. जो डेल यूडर ने दी थी उसके अंदर इसने ये बोला था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन वो प्रोसेस है जहां पे मैनेजमेंट एक या एक से ज्यादा यूनियंस, मतलब यहाँ पे वर्कर्स की जगह रिप्रेजेंटेटिव किस कौन होंगे, यूनियंस होगी। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में आप देखेंगे कि वर्कर्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो एसोसिएशन बनती है उसका नाम होता है यूनियन, ट्रेड यूनियन, जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के द्वारा गवर्न की जाती है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसके प्रोविजन हमने देखे थे। तो डेल यूडर ने बोला था कि ये रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर की किसी भी एक या एक से ज्यादा यूनियंस के साथ, ठीक है, टू नेगोशिएट। किस कारण है ये एसोसिएशन, किस कारण है ये रिलेशनशिप, किस कारण है कि वो नेगोशिएशन करें, आपस में बातचीत करके कोई कलेक्टिव एग्रीमेंट पे आए, और या फिर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम अप करें। ये डेल यूडेर ने बोला था। कलेक्टिव एग्रीमेंट भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही एक सेपरेट टॉपिक है। कलेक्टिव एग्रीमेंट मतलब कि
अब मान लीजिए यूनियंस ने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर कुछ डिमांड रखी और एम्प्लॉयर ने कहा कि इतने बोनस इतने वेजेस हम नहीं दे सकते, तो वो एक टेबल पे बैठेंगे। हमने ट्रेड यूनियन एक्ट में भी ये चीज डिस्कस की थी कि वो एक टेबल पे बैठेंगे, टेबल पे डिस्कशन होगा कि हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए बोनस चाहिए या 100 रुपए वेजेस में एक्स्ट्रा चाहिए। मैनेजमेंट कहेगी मैं सिर्फ इतना ही दे सकती हूँ, तो ये इन दोनों के बीच का एक बार्गेनिंग चलेगी, दोनों के बीच में समझौता डिस्कशन चलेगा और कलेक्टिवली जिस एग्रीमेंट पे वे आएंगे उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डेल यूडर ने डेफिनेशन दी थी इंडस्ट्रियल रिलेशन की कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट डीलिंग विद वन और मोर यूनियन टू अराइव एट सम कलेक्टिव एग्रीमेंट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज जे हेनरी रिचर्डसन। जे हेनरी रिचर्डसन ने क्या डेफिनेशन दी थी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी थी, इट मे बी रेफर्ड टू एज एन आर्ट, ये कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग टूगेदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोला था कि ये कला है, इट इज एन आर्ट टू लिव टूगेदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक फैक्ट्री है, उसका मेन बेसिक काम होता है कि प्रोडक्शन को जितना हो सके इंक्रीज करना अलोंग विद लेबर्स के वेलफेयर को देखना। मतलब मैनेजमेंट का मोटिव पर्पस हो गया कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और वर्कर्स का मोटिव सॉल्व हो गया कि उनका वेलफेयर देखा जाता है। उसके लिए उन दोनों को, दोनों एंटिटीज को एक साथ मिलके काम करना पड़ता है। तो रिचर्डसन ने बताया था कि दोनों पार्टी अच्छे से रहें ताकि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो, इसी को हम इंटर रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लेबर के मैटर्स को गवर्न करती है, उसको जो कि बहुत से देश रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया भी एक ILO का सिग्नेटरी मेंबर है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दी है ये देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन डील विद ईदर द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व्स। बताया गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन डील करता है आपस के किसके रिलेशंस के बीच में, स्टेट, यहां पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयर्स जो हमने देखा रिप्रेजेंट, एम्प्लॉयर्स मींस मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्हीं जो डेफिनेशन पहले आई है इन सब को अमलगमेट करके मिक्स करके डेफिनेशन दी है कि ये एक रिलेशनशिप है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में होता है, एक रिलेशनशिप जो होती है फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। ठीक है, और द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमंग देमसेल्व्स, कई तरह की ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये डिफरेंट, कोई मतलब नहीं है एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी एक चीज के घुमा फिरा के नाम दिए गए हैं। तो इन लोगों के आपस का जो अच्छा रिलेशनशिप है उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलेंगे। इंडियन थिंकर है मिस्टर CB कुमार। CB कुमार ने डेफिनेशन दी थी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आर ब्रॉडली कंसर्न्ड विद द बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस ऑन वेजेस एंड अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब CB कुमार ने बोला था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली किस चीज से कंसर्न रहता है कि आपस में बार्गेनिंग करें, आपस में बैठ के एक टेबल पे डिस्कशन करें किस मैटर पे, ऑन वेजेस और ऑन अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि वर्कर किस चीज के लिए डिस्प्यूट करेगा या वर्कर किस चीज की मांग करेगा। वर्कर सबसे ज्यादा मांग करेगा वेजेस में बढ़ोतरी की या फिर बोनस देने की या फिर काम के घंटे सीमित करने की, ओवर टाइम ना करवाने की या ओवर टाइम का वेजेस का रेट अच्छे से देने की, इस तरह की वर्कर्स की डिमांड होती है जो कि वो मैनेजमेंट से करता है। तो इस तरह की टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का यूनियन के द्वारा एम्प्लॉयर के साथ डिस्कशन करना, इसी को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा डेफिनेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यूजुअली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फ्रॉम फॉलोइंग डेफिनेशन व्हिच डेफिनेशन वाज गिवन बाय JT Dunlap। तो आपने देखना है कि क्या क्या डेफिनेशन थी, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन में बेसिकली क्वेश्चन आता है
कि विच थ्री एलिमेंट्स और विच थ्री एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्पस, तो बेसिकली कौन से इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो ये हमने डिस्कस कर लिया व्हाट आर द एक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस. देयर आर थ्री एक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस. वन इज वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट. एम्प्लॉयर्स एंड देयर एसोसिएशन, वर्कर्स एंड देयर यूनियंस एंड स्टेट एंड देयर एजेंसीज. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. ऑब्जेक्टिव क्या क्या, उद्देश्य क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या उद्देश्य है, ये देखते हैं. सबसे पहला उद्देश्य है एनहेंस द स्टेटस ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स के जो स्तर है, स्टेटस है, उसको बढ़ाना. बढ़ाए कैसे जाएगा, वेजेस इंक्रीज करना, बोनस इंक्रीज करना, उनकी वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करना. तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है, सबसे बेसिक पार्ट है. उसके बाद रेगुलेट प्रोडक्शन. वर्कर्स के स्टेटस को बढ़ा दिया, वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को अच्छा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फीलिंग से, बहुत ही मोटिवेटेड वे में काम करेंगे वर्कर्स. तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जो होगा वो एनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो सेकेंड इज रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड इज ऑक्यूपेशनल स्टेबिलिटी. एक क्या है, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे अच्छी कंडीशन नहीं होती, स्मेल आती रहती है, मक्खियाँ रहती हैं, या फिर वॉशरूम नहीं है, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है, आने जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो वहाँ लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे. तो वहाँ काम करना पसंद नहीं करेंगे तो वर्कर्स आएंगे, चार दिन काम करेंगे, चले जाएंगे. मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं होगी. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन काम है ऑक्यूपेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है. नेक्स्ट इज बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब वहां का जो वातावरण होना चाहिए, आपस के अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो, अच्छे से सभी एक मोटिवेटेड वे में काम करें, प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, आपस में भाईचारे से बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को अच्छे से करना, बेटर रूप के अंदर देना. नेक्स्ट इज गुड रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज. आपस का जो एम्प्लॉयज है उन लोगों का भी आपसी संबंध, आपसी रिश्ता अच्छे से हो, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, गुड रिलेशन हो. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सेम बात है, रेगुलेट प्रोडक्शन मींस इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी. एनहेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे बेसिकली ये जो बात आती है ये एम्प्लॉयर के कंटेक्स्ट में आती है. जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको अपना इकोनॉमिक दायित्व के साथ, इकोनॉमिक चीजें देखने के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी चाहिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से तात्पर्य ये है कि जैसे आपकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री किसी रिमोट एरिया में है, तो आपको बाहर प्याऊ लगा दिया, पानी के लिए सुविधा दे दी, ताकि जो लोग आते जाते रहते हैं, सोशल आसपास के गांव के लोग हैं, उनको पानी मिल सके, ठीक है. वहां के लिए कुछ पक्का रोड कंस्ट्रक्शन करवा दिया. ये सब हमारे भारतीय कानून का भी पार्ट हुआ है. जो कंपनीज एक्ट लागू हुआ उसके अंदर आपने देखा होगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो भी इसी चीज को टू एनहेंस गुड, टू मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द एस्टेब्लिशमेंट. मतलब वो वहां की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करे, वॉशरूम बना दिए फैक्ट्रीज की प्रीमाइसिस के आसपास, सो दैट उसके वर्कर्स भी यूज कर सके, आसपास के जो प्रीमाइसिस में लोग रहते हैं, प्रिसिंक्स में लोग रहते हैं, वो भी उसको यूज कर सके. इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स. अच्छी वेज कंडीशन रहेंगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, बोनस अच्छा मिलेगा, ओवर टाइम अलाउंसेज अच्छे मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो मजदूर है, जो कामगार है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज रहेगी. टू एक्सटेंड एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, आपने डेमोक्रेसी सुना होगा, डेमोक्रेसी इज
इट इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, मतलब ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसमें लोगों की से है, लोग बनाते हैं, लोग चलाते हैं। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट, जो इंडस्ट्री, जहां पे वर्कर्स की भी से हो, जो लोग वहां काम करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर वर्कर्स की से को देखा जाएगा, डिसीजन मेकिंग के अंदर वर्कर्स की आवाज को भी पहचाना जाएगा, उनकी वो आवाज को, उनके जो मांगे हैं, उनके जो हितों को देखते हुए उन लोगों को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बना जाएगा, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो टू एक्सटेंड एंड मेंटेन द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने हैं, मिनिमाइज करने हैं, अवॉइड करने हैं। और सबसे इलेवेंथ है अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, इट इज अगेन रिपीटेड, अनइंटरप्टेड एनहेंस प्रोडक्टिविटी विल लीड टू अ गुड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच विल अल्टीमेटली लीड टू गुड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट अलोंग विद गुड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या क्या मुख्य उद्देश्य है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। आगे चलते हैं, अप्रोचेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम देखते हैं, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या अप्रोचेज होती हैं अप्रोचेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए क्या क्या अप्रोच हैं, ये सब देखते हैं। सबसे पहले आती है यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच का क्या मतलब है, यूनिटरी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट देर इज ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी दैट इज द मैनेजमेंट विच ओन्स एंड कंट्रोल्स द डायनामिक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन इश्यूज रिलेटेड टू द नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। यूनिटरी, यूनिटरी से मतलब हम समझते हैं एक, सिंगल। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि यहां पे सिर्फ एक आदमी की चलेगी, एक एंटिटी की चलेगी। तो यूनिटरी अप्रोच किस आर्ग्यूमेंट पे बेस है कि सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सिंगल सोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जो कि है मैनेजमेंट। यहां पे इसका मतलब है कि यहां पे वर्कर्स की, ट्रेड यूनियंस की यहां पे से नहीं रहेगी, उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग के अंदर। अंडर यूनिटरी अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन आर ग्राउंडेड इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड शेयर गोल। सबसे मेन ये देखा जाता है कि यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट है, जो कि इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट है, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन है, अल्टीमेटली प्रॉफिट है, तो सभी उस कॉमन, और मैनेजमेंट का मेन गोल भी यही होता है, तो सभी उस कॉमन गोल की तरफ भाग रहे होते हैं कि इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे मतलब कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर सिर्फ मैनेजमेंट ही डिसीजन लेती है, सब उसको फॉलो करते हैं। द अंडरलाइंग अजम्पशन इज दैट एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन द फोकस इज ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रमोशन ऑफ हार्मनी। कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक इज नॉट ओनली रिगार्डेड एज नेसेसरी बट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, अननेसेसरी एंड डिस्ट्रक्टिव। द यूनिटरी अप्रोच इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज अ टूल फॉर सीड्यूसिंग एम्प्लॉइज अवे फ्रॉम यूनियनिज्म एंड सोशलिज्म। जो यूनिटरी अप्रोच है उसका बेसिक जो मोटिव है वो है कि कोई यूनियन नहीं, कोई सोशलिज्म नहीं, सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी। जितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जितना प्रॉफिट रहेगा, जितना, और एक कॉमन गोल की तरफ भागना है, उसी से सबको म्यूचुअल फायदा होगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन रहेगा और कॉमन हार्मनी रहेगी आपस के अंदर। जितना प्रॉफिट होगा, मालिक को जितना प्रॉफिट होगा, मजदूरों को भी उतना ही उसमें से शेयर मिलेगा। इस अप्रोच के अंदर स्ट्राइक जो होती है वो स्ट्राइक बिल्कुल भी मानी नहीं जाती, स्ट्राइक को डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव वेपन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन अंडर द यूनिटरी अप्रोच, ठीक है। तो स्ट्राइक इज कंसिडर्ड एज नॉट नेसेसरी, अननेसेसरी। तो हमने देखा दिस इज द यूनिटरी अप्रोच। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अप्रोच,
Next is pluralistic approach. Pluralistic approach is basically जैसे पहले देखा था हमने union unitary approach. Unitary means single unit. यहाँ पे pluralistic means multiple units. तो pluralistic approach बेसिकली रहेगी जहां पे एक या एक से ज्यादा लोगों की शेयर रहेगी. आइए देखते हैं. प्लुरलिस्टिक अप्रोच टोटली डिपार्ट्स फ्रॉम द यूनिटरी अप्रोच, बिल्कुल अलग जाती है, एंड अज्यूम्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु फॉर्म डिस्टिंक्ट ग्रुप्स विद देयर ओन सेट ऑफ एम्स, ऑब्जेक्टिव, लीडरशिप स्टाइल एंड वैल्यू प्रोपोजिशन. जो प्लुरलिस्टिक अप्रोच है वो बिल्कुल यूनिटरी अप्रोच का ऑपोजिट है. एक यूनिटरी अप्रोच में ये था कि कॉमन गोल की तरफ भाग रहे थे, मैनेजमेंट की शेयर थी. यहाँ पे सभी इंडिविजुअल अपने ग्रुप के हिसाब से अलग अलग जॉइंट है, अलग अलग सेग्रीगेटेड है, डिस्टिंक्ट ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, जिनका अलग अलग मोटिव है, सबका अलग अलग लीडरशिप स्टाइल है, अलग अलग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है. ये थ्योरी किसने दी थी? कर ने. KERR डेफिनेशन है कर. एंड दिस अप्रोच सीज conflict of interest and disagreement between the managers and workers over the distribution of profit as normal and inescapable. हमने उसके अंदर देखा था कि जो strike थी वो unnecessary थी. यहाँ पे pluralistic approach में बोला गया है कि जो conflict है, conflict or disagreement between the management and the other groups of employees groups, वो inevitable है, वो होके ही रहेगा over the distribution of profit among them. ठीक है, profit के आपस में बंटवारे को लेकर, ठीक है, ये एक normal चीज है, ये होती रहेगी, इससे हम बच नहीं सकते. ये है pluralistic approach का main objective. Consequently, the role of management would lean less toward enforcing and controlling and more toward persuasion and coordination. वहाँ पे क्या रहता था? Management ने जो बोल दिया वो चल रहा है. यहाँ पे मैनेजमेंट का जो कंट्रोलिंग का पावर रहता है वो कम हो जाता है, और जो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो किस तरफ लीन ज्यादा रहता है? टुवर्ड परसुएशन, ठीक है, टुवर्ड कंट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन. आपस में परसुएशन मेथड यूज करेंगे कि तुम ऐसे कर लो, वर्कर्स को समझाएंगे, बैठाएंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग का रूप लेंगे, ठीक है, तो और कोऑर्डिनेशन करेंगे कि कोई समस्या आ रही है तो हम लेबर वेलफेयर में ये इनिशिएटिव कर लेते हैं. तो ये सब प्लूरलिस्टिक अप्रोच का पार्ट है, और जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने जो समझा था वो इनएविटेबल है, वो इसका पार्ट है प्लूरलिस्टिक अप्रोच का. यूनियंस दस बैलेंस द पावर बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, एंड कॉन्फ्लिक्ट इज डेल्ट बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, एंड इफ मैनेज प्रॉपरली कुड लीड टू इवोल्यूशन एंड पॉजिटिव चेंज. तो हमने देखा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से यहाँ पे यूनियंस, वहां पे यूनियनिज्म और सोशलिज्म बिल्कुल जीरो था. यहाँ पे यूनियंस बहुत ही अहम पार्ट, बहुत ही मेन रोल अदा करती हैं. किस चीज में? टुवर्ड्स डीलिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनेजिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन अ गुड एंड पॉजिटिव अप्रोच. तो आई थिंक प्लूरलिस्टिक अप्रोच इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. ह्यूमन रिलेशन, आपने ये एचआर का जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, दिस अप्रोच कंसिडर्ड ह्यूमन रिसोर्सिस टू बी ह्यूमन बींग्स हैविंग वेरियस नीड्स एंड मोटिव्स. अकॉर्डिंग टू दिस, एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन ओनली बी मैनेज्ड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल. मतलब यहाँ पे जो चीज देखी जाती है, यहाँ पे प्रोडक्शन मोटिव नहीं रहता, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को देखा जाता है, ठीक है. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लोग वहां कार्यरत हैं, उनको एक असेट के रूप में देखा जाता है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो डायनेमिक्स है, उनके जो बिहेवियर है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है इन स्पाइट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये देखा हमने, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सिस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सिस, ह्यूमन रिसोर्सिस आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट एंड देयर नीड्स एंड मोटिव्स, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके जो मोटिव्स हैं,
उनकी तरफ ज्यादा फोकस किया जाता है प्रोडक्शन के जगह, ठीक है। और जो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन ओनली बी मैनेज बाय कि उन लोगों की जो डायनेमिक्स है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की सोच होती है, अलग अलग तरह की डायनेमिक्स होती हैं, उनको समझ के एक पॉजिटिव डिसीजन लिया जाए, ये है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव। अगला जो चलते हैं वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो कार्ल मार्क्स थे सोशियोलॉजिस्ट, उनकी थ्योरीज पे बेस्ड है। कार्ल मार्क्स ने थ्योरीज दी थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इस टाइप की थ्योरीज दी थी। उनके हिसाब से तो कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है कि कॉन्फ्लिक्ट होके ही रहेगा। एक सेकेंड, तो इसको हम रेडिकल प्रस्पेक्टिव भी बोलते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच को रेडिकल प्रस्पेक्टिव भी बोलता जाएगा, क्योंकि ये एक रेडिकल नेचर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट थे जो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। वो चलते थे कम्युनिज्म की तरफ, सोशियलिज्म की तरफ, कि एक समय आएगा जब वर्कर्स का कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाएगा कि सब जो सोशलिज्म की तरफ लोग बढ़ेंगे। तो इट इज द मार्क्सिस्ट अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मेजरली गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। इसके हिसाब से जो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो ये है अपने मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज है, उनका मेन मकसद होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्जित करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन फंडामेंटल डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। ये मेन जो अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच, आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे तो ये बेसिकली जो अप्रोच है वो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है, ठीक है, कि कैपिटल क्लास और लेबर क्लास, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कैपिटल क्लास अपना प्रॉफिट बढ़ाने की और दिशा में काम करेगी और ज्यादा से ज्यादा सप्रेस करेगी लेबर क्लास को, उस लेबर क्लास को इतना सप्रेशन हो जाएगा कि आपस के अंदर डिस्प्यूट नेसेसरी होगा, इनएविटेबल होगा और कॉन्फ्लिक्ट को वो जन्म देगा, ठीक है। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन फंडामेंटल डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर एंड अज्यूम्स कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल एंड लेबर यूनियंस आर अ नेचुरल रिस्पॉन्स of the workers to their exploitation by capitalist. तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी लेबर यूनियन क्या काम करेंगी? वर्कर्स के इंटरेस्ट के, वर्कर्स के हितों को देखते हुए जो उनका शोषण हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है कैपिटलिस्ट क्लास में, उससे उसको प्रोटेक्ट करेंगी, उससे उसको बचाएंगी, ठीक है। ये है मार्क्सिस्ट अप्रोच की थ्योरी। आगे चलते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। द मेन वर्ड इज परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यूनियंस एंड वर्कर्स, तीनों लोगों की जो सोचने की, परसेप्शन की जो दिशा है, उन तीनों पे फोकस करता है साइकोलॉजिकल अप्रोच। कॉन्फ्लिक्ट्स अकर बिकॉज एवरी ग्रुप नेगेटिवली परसीव्स द बिहेवियर ऑफ अदर, इवन इफ अदर्स इंटेंशन इज करेक्ट और ऑनेस्ट, इट इज सीन विद सस्पिशन। यहाँ पे क्या रहता है कि जो साइकोलॉजी होती है मजदूर की, जो एम्प्लॉयज की साइकोलॉजी होती है, वो इस तरह से होती है, वो आज के दौर में भी देखा जाता है कि वो साइकोलॉजी इस तरह होती है कि अगर एम्प्लॉयर कोई उनकी वेलफेयर की दिशा में भी काम करेगा तो भी वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज ये सोचेंगे कि नहीं, इसमें इसका कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ है, इसमें इसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो और जो एम्प्लॉयर क्लास है, वो अगर वो कुछ ऐसा काम भी करते हैं जो कि इंडस्ट्री के हित में है, तो भी वो लोग एम्प्लॉयज को ये देखेंगे कि इसने ये क्यों किया, यहाँ पे इसका क्या सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा। मतलब
बोथ द पार्टीज नेगेटिवली परसीव ईच अदर, वो चाहे कोई अच्छा भी काम करें तो भी वो शक की निगाह से देखा जाता है, सस्पिशन की निगाह से देखा जाता है, बोथ ऑफ द पार्टीज नेगेटिवली परसीव ईच अदर. सो हेयर द मेन वर्ड, रूट वर्ड इज परसेप्शन ऑफ द बोथ द एंटिटीज. ठीक है. इंडस्ट्रियल पीस इज एन रिजल्ट ऑफ मेनली ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड ईच अदर. अगर दोनों का परसेप्शन, दोनों की सोचने की दिशा सेम हो जाएगी, एक दूसरे के कार्य को, जो किए हुए कार्य को पॉजिटिव देंगे, अच्छे से बोलेंगे कि हाँ तुमने ये अच्छी दिशा में काम किया है, तो इट विल लीड टू इंडस्ट्रियल पीस. ठीक है, इट विल लीड टू इंडस्ट्रियल पीस और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच. इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच किसने दी थी? जी मार्गैरिसन. ये नाम याद रखना, जी मार्गैरिसन, इन्होंने इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच दी थी. इट होल्ड्स द व्यू दैट द कोर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ. वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, टुगेदर विद जॉब फैक्टर्स लाइक जॉब कंटेंट, वर्क टास्क, टेक्नोलॉजी, वेजेज एंड वर्किंग कंडीशन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट. दस इंडस्ट्री इज इनसेपरेबल फ्रॉम सोसाइटी विद इन विच इट हैज टू फंक्शन. जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच है, ये आप दो वर्ड देखेंगे, इंडस्ट्री मीन्स इट इज कंसर्न विद इंडस्ट्री और फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट, सोशियोलॉजी मीन्स इट इज कंसर्न विद समाज, सोशल सोशल एस्पेक्ट. तो इन दोनों का एस्पेक्ट है. लेमैन लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब ये रहेगा कि कोई भी इंडस्ट्री समाज से अछूती नहीं है. जो समाज की चीजें हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल हार्मनी को इम्पैक्ट करेंगी ही करेंगी. तो इंडस्ट्री इज ऑलवेज इम्पैक्टेड बाय सोशल एस्पेक्ट्स. ये किसने अप्रोच दी थी? ये अप्रोच दी थी जी मार्गैरिसन ने. उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ. मतलब कॉन्फ्लिक्ट होके रहेगा, क्योंकि जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग सोच से आते हैं, किसी के घर की क्या स्थिति है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो जो सोशल एस्पेक्ट है, ठीक है, वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को, इंडस्ट्रियल अप्रोच को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे. वो इनसेपरेबल नहीं हो सकती सोसाइटी से. इंडस्ट्री कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी एंड इट्स एस्पेक्ट्स. तो ये था इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इकोनॉमिक अप्रोच. इकोनॉमिक अप्रोच से आप समझ सकते हैं कि दिस इज बेसिकली, ये रहेगा इकोनॉमी की तरफ. जॉन आर कैमेंस, जॉन आर कैमेंस इसके फादर ऑफ द यूएस इंडस्ट्रियल रिलेशन. इनको फादर ऑफ यूएस इंडस्ट्रियल रिलेशन बोला जाता है. इट कैन बी अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ यूएस इंडस्ट्रियल रिलेशन. इट इज जॉन आर कॉमेंस. तो आपको ये याद रखना है, जॉन आर कॉमेंस एंड द ऑथर. इन्होंने बुक लिखी थी, दो किताबें लिखी थी. 1916 में इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन 1916 एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन 1893. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों से डील करती हैं उस समय की सोसाइटी में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट्स थे. तो दो किताबों का क्या नाम है? एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो कि 1893 में लिखी गई थी, और दूसरी है प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. इन दोनों के जो ऑथर हैं उनका नाम है जॉन आर कॉमेंस, जिन्हें फादर ऑफ यूएस इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बोला जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. ही आर्ग्यूड दैट द यूएस वर्कर्स वर मोर वेज कॉन्शियस देन क्लास कॉन्शियस. कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी अवॉइडेड और मिनिमाइज्ड इफ द मैनेजमेंट बिकम अवेयर ऑफ दीज फंडामेंटल टेंडेंसीज. द स्टेट और गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ. उनका मानना था, जॉन आर कॉमेंस का मानना था, जो यूएस के वर्कर हैं, अमेरिका के जो वर्कर हैं, वो वेज की तरफ ज्यादा कॉन्शियसनेस है, उनकी जो झुकाव है वो क्लास कॉन्शियसनेस की जगह वेज कॉन्शियसनेस की तरफ है. क्लास कॉन्शियसनेस और वेज कॉन्शियसनेस से आप क्या समझते हैं?
जैसा कि आपने देखा था मार्क्स की जो थ्योरी थी, मार्क्स की जो अप्रोच थी, वो मार्क्स क्लास कॉन्शियसनेस की तरफ झुकाव ज्यादा था, ठीक है, कि कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर्स क्लास, वर्कर्स क्लास के अंदर जितनी हार्मनी है वो हेट करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास से, और कैपिटलिस्ट क्लास उन लोगों को सप्रेस करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी थी, जहाँ पे जो फोकस था, वो क्लास कॉन्शियसनेस पे था। लेकिन जॉन आर कॉमन्स का कहना है कि यहाँ पे यूएस के जो वर्कर्स हैं वहां पे क्लास कॉन्शियस पे ज्यादा फोकस नहीं है। आप सैलरी बढ़ा दीजिए, वेजेस बढ़ा दीजिए, उन लोगों का मेन मकसद वेजेस का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेजेस नहीं बढ़ेंगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना कि क्लास के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अवॉइडेड इफ मैनेजमेंट बिकम, अगर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है कि अगर मैनेजमेंट इस चीज से अवेयर हो जाए कि इन लोगों की सोच है वो वेज कॉन्शियसनेस की तरफ है, इंक्रीमेंट ऑफ वेजेस की तरफ है, तो इस चीज को खत्म किया जा सकता है। और इस चीज में स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो सरकार है और उसकी एजेंसीज है वो भी इस चीज को सपोर्ट कर सकती है बाय कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन मतलब कि मिलके बैठ के एक टेबल पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बना दे कि इतने घंटे काम का इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो आया है वो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही रूप है, जो कि आगे 1970 के अंदर भारत में लागू किया गया था। तो जो स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट या स्टेट एजेंसीज है वो सब इस चीज को ध्यान रख के कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा रिगार्डिंग वेजेस, रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशंस, तो कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड अप्रोच। ऑक्सफोर्ड अप्रोच के जो जनक है वो कौन है? इट वॉज डेवलप्ड बाय एलन फ्लैंडर्स, इंपॉर्टेंट चीज है। हु इज द नोन एज हु डेवलप्ड द ऑक्सफोर्ड अप्रोच? द नेम इज एलन फ्लैंडर्स। तो एलन फ्लैंडर्स, दिस मॉडल व्यूज द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एज अ स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशंस। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशन इज कैटेगराइज्ड बाय हिम एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, द फॉर्मर बीइंग एन इंटरनल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम सच एज कोड ऑफ वर्क रूल्स, वेज स्ट्रक्चर, इंटरनल प्रोसीजर ऑफ जॉइंट कंसल्टेशन एंड ग्रीवांसेस, कलेक्टिव बार्गेनिंग सेंट्रल टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच थी एलन फ्लैंडर्स ने बताया था, ये बताया था कि इट इज अ स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशन, की आपकी जो जॉब की कंडीशन है, जॉब की रेगुलेशन है वो किस टाइप की है, ठीक है, आपकी वेज की कंडीशन किस टाइप की है, कोड ऑफ वर्क वहां पे काम करने की स्थिति कैसी है, ठीक है, वेज स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल प्रोसेस क्या रहेगा, इंटरनल प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर कोई ग्रीवांस है ग्रीवांस को कैसे हैंडल किया जाता है, किसी वर्कर की कोई शिकायत है उसके लिए कोई क्या प्रॉपर कमेटी बनाई गई है, वर्क्स कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच थी ये कह रहा था कि ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इट इज ऑल्सो इट इज बेस्ड ऑन दी वर्क एथिक्स या फिर जॉब रेगुलेशन, और जिसको हम बोलेंगे वर्क एनवायरनमेंट। तो एलन फ्लैंडर्स ने बोला था कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन डेवलप्ड ऑन द गुड वर्क एनवायरनमेंट, अगर अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होगा, अच्छी वर्किंग कंडीशन होगी तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, और कलेक्टिव बार्गेनिंग इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेरियस अप्रोचेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, एन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम इज रिगार्डेड एज कंप्राइज ऑफ सर्टेन एक्टर्स, सर्टेन कंटेक्स्ट एंड एन आइडियोलॉजी विच बाइंड्स द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम टूगेदर एंड अ बॉडी ऑफ रूल्स क्रिएटेड टू गवर्न दीज एक्टर्स एट वर्क प्लेस एंड वर्क कम्युनिटी। दीज आर देर आर थ्री सेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन इज एक्टर्स, वन इज कंटेक्स्ट एंड थर्ड इज आइडियोलॉजी of the system. It was propounded by John T. Dunlap in his book Industrial Relations System 1958. इसमें basically जो system approach है उसमें क्या बोला गया है कि तीन चीजें industrial relation को देखती हैं, तीन चीजें industrial relation को affect करती है, impact करती हैं। क्या क्या चीजें हैं तीन? सबसे पहले actors। actors कौन कौन होते हैं?
एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। दूसरा क्या है, कंटेक्स्ट, और तीसरा है क्या आइडियोलॉजी है। ये तीन चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट करती हैं कि वहाँ पे जो काम क्या कंटेक्स्ट है, किस कंटेक्स्ट में लोग काम करते हैं, क्या आइडियोलॉजी से लोग काम करते हैं, क्या वो एक क्लास कॉन्शियसनेस से काम करते हैं, वेज कॉन्शियसनेस से काम करते हैं, या फिर एक सिंगल मोटिव ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट से काम करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं कि वहाँ पे क्या सिस्टम क्या है, उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में क्या सिस्टम है, वो किस दिशा में काम करते हैं। ये चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट करती हैं। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस है कि हम मजदूर हैं, हम एक होके रहेंगे, वो एम्प्लॉयर है, वो हम लोगों का शोषण करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल रहेगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होके रहेगा, ठीक है। इज फोकस वॉज ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स इन द आईआर सिस्टम विच आर द रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ थ्री फैक्टर्स। इसका जो मेन फोकस था सिस्टम अप्रोच का, कोई भी सिस्टम होता है, आप देश नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में देखिए, कोई एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को चलाने के लिए बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, कोई गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल्स बनाए गए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन किए गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो रूल्स और प्रोविजंस प्रोवाइड करता है सरकार को चलाने के लिए, तो सिस्टम को चलाने के लिए, तो सिस्टम अप्रोच हम इस हिसाब से समझ सकते हैं कि एक सिस्टम को चलाने के लिए बेसिक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जरूरी होते हैं, और इन सेट ऑफ रूल्स किस चीज़ को इंटरप्ले, किस चीज़ के बीच में होता है, एक्टर्स के बीच में, आइडियोलॉजी के बीच में और कंटेक्स्ट के बीच में। एक्टर्स इंक्लूड मैनेजमेंट एंड द हायरार्की ऑफ मैनेजर्स, वर्कर्स, एंड थर्ड इज गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स हेल्ड बाय दीज एक्टर्स। इन लोगों के जो ऊपर के जो तीन एक्टर हैं, इन लोगों का क्या बिलीफ है, इन लोगों की क्या सोचने की दिशा है, इसको हम बोलेंगे आइडियोलॉजी। क्या सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की है, या लेबर वेलफेयर की है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट की है, जो जिन इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो डिसाइड करेगी इंडस्ट्रियल रिलेशन को। और तीसरा आता है एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एट वर्क प्लेस एंड वर्क कम्युनिटी, मार्केट एंड बजटरी कंस्ट्रेंट, एंड द लोकस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन लार्जर सोसाइटी। जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट क्या रहता है कि आपसे जो एनवायरमेंट है उसमें क्या चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन पावर पे बैठा है, कौन सिस्टम में हेड कर रहा है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, ये सब चीजें भी इन एक्टर्स के जो एक्शन होते हैं उसको इम्पैक्ट करती हैं, जो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्पैक्ट करता है। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम अप्रोच एंड द ऑक्सफोर्ड अप्रोच इज दैट द फॉर्मर मीन्स सिस्टम अप्रोच एम्फसाइजेस द रोल ऑफ वाइडर इन्फ्लुएंस ऑन द रूल डिटर्मिनेशन, व्हाइल द लेटर ऑक्सफोर्ड एम्फसाइजेस ऑन द प्रोसेस ऑफ रूल मेकिंग थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। सिस्टम अप्रोच और ऑक्सफोर्ड अप्रोच के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो सिस्टम अप्रोच होती है वो आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को देखती है रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि पावर में कौन है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, जो एक्टर्स हैं उनकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। और जो ऑक्सफोर्ड अप्रोच है वो क्या देखती है, वो देखती है दोनों पार्टीज के रूल्स कब बनेंगे, दोनों पार्टीज एक टेबल पे बैठ के कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगी, उससे जो रूल फ्रेमअप होके आएंगे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिसाइड करेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सफोर्ड अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट वन इज गांधीयन अप्रोच। दिस अप्रोच वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी जी। ये महात्मा गांधी जी की अप्रोच है। महात्मा गांधी इज ऑल्सो बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द थिंकर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। गांधी जी कैन बी कॉल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेबर लीडर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। इनको बहुत ही बड़े लेबर लीडर के रूप में भी जाना जाता है। जो मिल वर्कर स्ट्राइक हुई थी तो इन्होंने अपना सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया था मिल वर्कर स्ट्राइक में गांधी जी ने, तो इन्होंने सबसे पहले जाके लेबर क्लास के साथ ही इन्होंने अपने जो सत्याग्रह के जो एक्सपेरिमेंट है नॉन वायलेंस, ठीक है, ये सब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कहाँ किए थे, शुरू में
जो मिल वर्कर्स, टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की स्ट्राइक होती थी, उनकी डिमांड्स थी, वहां पे जाके ही गांधी ने अपनी अप्रोच को टेस्ट किया था। गांधी जी ने हिज अप्रोच टू लेबर प्रॉब्लम्स वर कम्प्लीटली न्यू एंड रिफ्रेशिंगली ह्यूमेन। इनकी जो अप्रोच थी वो बिल्कुल नहीं थी और एक ह्यूमेन दिशा में थी, एक मानवीय दिशा में थी। ही हेल्ड डेफिनेट व्यूज रिगार्डिंग फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ वेजेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन, नेसेसिटी एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यूज एंड अब्यूज ऑफ स्ट्राइक्स, लेबर इनडिसिप्लिन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कंडीशन ऑफ वर्क, ड्यूटीज ऑफ वर्कर्स। तो इस गांधी जी की जो अप्रोच थी वो किस किस चीज पे फोकस करती थी कि अगर स्ट्राइक कर रहे हो तो किस तरह से अच्छा यूज होगा स्ट्राइक का, स्ट्राइक का अब्यूज भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो वॉयलेंट हो जाए, अगर वो हिंसक हो जाए तो देट इज अब्यूज ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। तो गांधी जी की जो अप्रोच थी वो फंक्शन करती थी यूज एंड अब्यूज ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की नेसेसिटी को देखती थी, ठीक, ट्रेड यूनियन के फंक्शंस को देखती थी, रेगुलेशन ऑफ वेजेस, रेगुलेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन को देखती थी, ठीक है, लेबर डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन को देखती थी कि लेबर का डिसिप्लिन कब है, इनडिसिप्लिन कब है, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के अंदर जो मिल वर्कर स्ट्राइक हुई थी, गांधी जी ने उस समय ये एक्सपेरिमेंट किए थे। ही इंसिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज ईच इंडिविजुअल वर्कर एज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट कम्युनिज्म, गोइंग सो फार एज टू से दैट इफ कम्युनिज्म कम्स विदाउट एनी वायलेंस इट वुड बी वेलकम। इनकी एक सेइंग है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इफ कम्युनिज्म कम्स विदाउट वायलेंस, अगर हिंसा के बिना कम्युनिज्म आता है तो हम, मैं इसका स्वागत करूंगा, मैं इसको वेलकम करूंगा। गांधी जी लेड डाउन सर्टेन कंडीशन फॉर अ सक्सेसफुल स्ट्राइक, ठीक है। कम्युनिज्म से हम तात्पर्य ये है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, एवरीथिंग इज बीइंग समाज की प्रॉपर्टीज रहेंगी। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, दीज आर टू टॉपिक्स विच विल डिस्कस इन डिटेल्स इन सम डिफरेंट क्लास, कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे, दैट विल बी हेल्ड कॉमनली बाय एवरीवन इन द सोसाइटी, ठीक है। लेकिन अगर ये कम्युनिज्म बिना हिस्सा के आता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा, मतलब, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कैपिटल क्लास अपनी चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए हिस्सा हो जाएगी, इनविटेबल है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि नॉन वायलेंट कम्युनिज्म इज वेलकम बट वायलेंट कम्युनिज्म इज नॉट, ठीक है। ही लेड डाउन सर्टेन कंडीशन फॉर अ सक्सेसफुल स्ट्राइक, उन्होंने स्ट्राइक और के यूज और अब्यूज के बारे में बोला, तो उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए थे कि स्ट्राइक, पिकेटिंग और ये स्ट्राइक हैगी, ये कैसी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे किसी को फोर्सफुली प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, यू गो फॉर पिकेटिंग, यू गो फॉर स्ट्राइक, ठीक है। दीज आर जो रूल बनाए थे वो क्या क्या है, द कोज ऑफ स्ट्राइक मस्ट बी जस्ट एंड देर शुड बी नो स्ट्राइक विदाउट अ ग्रीवांस। सबसे पहला ये है कि जो स्ट्राइक होने चाहिए वो किसी रीजन के लिए होने चाहिए, एक कॉमन रीजन के लिए जो कि जस्ट हो, ह्यूमेन हो, जिसका कोई रीजन हो, बिना रीजन के सिर्फ कुछ प्रॉफिट मोटिव के लिए स्ट्राइक पे नहीं जाना है। देर शुड बी नो वायलेंस, वायलेंस नहीं होगा, एंड नॉन स्ट्राइकर्स और ब्लैक लेग्स शुड नेवर बी मोलेस्टेड। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम स्ट्राइक का पार्ट नहीं होंगे, वर्कर्स, ये तो है नहीं कि सभी वर्कर्स जाके स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, हड़ताल पे बैठ जाएंगे। कुछ ऐसे वर्कर भी होते हैं जो कि उस स्ट्राइक का पार्ट नहीं बनना चाहते। तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी बचे हुए वर्कर हैं वो उनको मोलेस्ट करें, वो उनके साथ मार पिटाई करें, उनके साथ जबरदस्ती करें, वो जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ट्रस्टीशिप का, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्फेयर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अकॉर्डिंग टू हिम एम्प्लॉयर शुड नॉट रिगार्ड देमसेल्व्स एज द सोल ओनर्स ऑफ द मिल्स एंड फैक्ट्रीज टू विच दे आर द लीगल ओनर्स। इन्होंने ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रस्टीशिप जैसे हम ट्रस्ट समझते हैं कि जो फैक्ट्री है वो ओनर के खुद की ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इसका अकेला मालिक हूँ। जब तक वहाँ काम करने वाले मजदूर नहीं रहेंगे तब तक उस फैक्ट्री का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो गांधी जी के हिसाब से उसको एक ट्रस्ट की तरह लेना चाहिए जहाँ पे वर्कर्स की, मैनेजमेंट की, सबकी से हो और सब एक म्यूचुअल हारमोनी में, ह्यूमेन कंडीशन में प्रोडक्शन की तरफ जाए। तो दे शुड रिगार्ड देमसेल्व्स ओनली द ट्रस्टीज और कोनर्स, जो वर्कर्स है
हाँ, जो मालिक है, एम्प्लॉयर है, वो अपने आप को को ओनर समझने चाहिए, सोल ओनर्स नहीं समझने चाहिए। को ओनर्स मतलब हम भी ओनर हैं, वर्कर्स भी ओनर हैं, ठीक है। हम इनके ट्रस्टीज हैं, हमें वर्कर्स ने संभालने के लिए दे रखी है, चलाने के लिए दे रखी है, क्योंकि अगर वर्कर नहीं रहेंगे तो उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का वजूद भी खत्म हो जाएगा। ही ऑल्सो अपील टू दी वर्कर्स टू बिहेव एज ट्रस्टीज एंड नॉट टू रिगार्ड द मिल एंड मशीनरीज एज बिलोंगिंग टू दी एक्सप्लॉइटिंग एजेंट्स, बट टू रिगार्ड एम देयर ओन, प्रोटेक्ट देम एंड पुट इन टू देयर बेस्ट यूज। उन्होंने एम्प्लॉयर के साथ साथ वर्कर्स को भी बोला कि वो अपने आप को भी को ओनर समझे, अपने आप को भी ट्रस्टी समझे, और जो मिल ओनर्स हैं या फिर जो फैक्ट्री के इंस्ट्रूमेंट हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन इंस्ट्रूमेंट ना समझे, और जो फैक्ट्री की चीजें हैं, मशीन है, इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी है, उसकी ऐसे ही संभाल करें जैसे वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप गिवन बाय महात्मा गांधी जी। अगले चलते हैं। सो दीज आर ऑल अप्रोचेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन और अप्रोचेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन देखा। एडुकेशियस के माध्यम से ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक करवाया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के और भी टॉपिक हैं इसके अंदर, आगे भी हैं, हम लाइव क्लास लेते रहेंगे। और आपको अगर EPFO लेबर लॉज इस सीरीज के अगर कोर्सेज देखने हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारे एडुकेशियस ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एडुकेशियस, आप एडुकेशियस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं बाय गिविंग फ्री मॉक टेस्ट एज वेल एज पेड मॉक टेस्ट अलोंग विद द कोर्सेज अवेलेबल, एंड ऑल्सो यू गो फॉर स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपके कमेंट्स से देखना चाहूँगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई क्यूरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।